अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम ज़मीर अहमद ख़ान है, मैं चौकीवल मार्सरी से हूँ। तो हम लोगों का ये मुतालबा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रोज़गार बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है सर। तो हमें मतलब डेवलपमेंट चाहिए, जैसे पानी वगैरह और बिजली की किल्लत। अगर बिजली मिलती भी है तकरीबन 24 घंटे में से सिर्फ हमें मतलब 1.5-2 घंटे, वो भी बड़ी मुश्किल से मतलब बिजली मिलती है सर, वो भी बहुत कम होती है सर। मोबाइल भी चार्ज अच्छे से नहीं होता है सर। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल खान है, रिडी से आगे मेरी पंचायत स्टार्ट होती है, VDC में नायब चेयरमैन भी हूँ और ये 3 गांव का सरपंच भी हूँ, जैसा कि चौकीबल, मार्सरी एंड रंगवा। आप देखिए हमारे मेरे गांव में आप मालूम कीजिए 3 बंदे अभी भी जख्मी, जो कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से मरना बेकार है, जो कि शलंग से हुआ है। कि यानी कि मैंने इलेक्शन से पहले भी मैं गया था, जिससे के पास मैंने एक अप्लीकेशन दी कि हमें ये LOC दे दो, हमारा इलाका ये शॉर्ट है और हमारी बैंकर की और ये फैसिलिटी हमें दे दो, और हमारा जो रिकॉर्ड जो हमारा है ये हमारा किल्लत रहती है काफ़ी गांव में। जनरेशन में भी अभी पानी पूरी तरह मुहैया नहीं है सर, हालांकि इतना बड़ा गांव है लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं पहुँच सका है सर। बुंडमल हमसे 2 किलोमीटर पीछे है, सिटी की तरफ है, जबकि उनको LOC है। ये जो हमारी पंचायत है बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर आगे है फॉरवर्ड में, जो कि पाकिस्तान की बिल्कुल LOC, आपको सामने ये LOC नजर आ रहा है, वो पहाड़ी जो है आप दिखाओगे अगर कैमरा घुमाओगे, ये LOC है बिल्कुल, वहाँ पर रीज है ये। तो हमारी तेरी ना मांग, हमारे लोग जितने भी लोग हैं कोई मुलाजमत नहीं है, 1 से 2% के बीच में मुलाजमत, कोई एक आधा भूल चूक से लग गया पुराने ज़माने में। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं है मेरे इलाके में, सिर्फ डिपेंड 2 ही चीज़ें करती हैं हमें, या फौज की मजदूरी या बिकन की मजदूरी। मतलब बेरोज़गारी इतनी है सर यहाँ पर, पढ़ाई काफ़ी लोगों ने कर रखी है सर, मतलब PG वगैरह डिग्रीज हैं इनके पास, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है सर यहाँ पर। फौज के लिहाज से हमारी मजदूरी यहाँ के जो भी इलाके हैं सामने, जो हमारे इलाके चौकीबल लेबर डिपार्टमेंट के अंडर होते थे, चौकीबल स्टेशन के, वो उठा के टंगडार को ये इलाके लगा दिए, दूसरा आधा उठाया तो केरन को लगा दिया, चौकीबल स्टेशन 1 यूनिट बजे उसमें कितने हमारे मजदूर रहेंगे, कोई मजदूरी नहीं मिलती है। लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं। अब पंजाब जाएं वहाँ से भी डर है कि कोरोना से वहाँ काम मिले ना मिले। तेरी ना मांग हमारी यही है, LOC एंड रोजगार, मुलाजम हमारे पास नहीं। इसी वजह से हम ये वोट करते हैं कि आखिरकार कोई इंसाफ परस्त आ जाए, हमारी ये बात आगे तक पहुँचा, क्योंकि हमारी दौर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक से DC ऑफिस तक, वहाँ से बात खाया जाती है। अब लीडर ही नहीं है हमारे, गवर्नर साहब एक है, वो कहाँ तक सुनेंगे या सुनवाएंगे, हम नहीं करते, लेकिन सुनवाई हमारे इलाके की नहीं। तकरीबन मैं ब्लॉक की बात करता हूँ, पूरा LOC का, जिसमें हमारे 3 डेथ भी हुए, 3-4 रंगवाड़ गांव में जख्मी है, जो कि जिंदगी और मौत के कश्मकश में इस टाइम भी है। हमारा यही गवर्नमेंट से मतलब हम अपील करना चाहते हैं, जैसे DDC कैंडिडेट अगर इनमें से कोई भी कामयाब होता है तो अगर हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे लिए कुछ अगर रोशनी की वो किरण बन के सामने अगर वो आते हैं, तो उनको चाहिए, ज़रूर चाहिए कि हमारे ये जो मसले हैं वो 100-101% हमारा काम करें सर।